हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शायद ये मुझसे लव करता है बट मैं नहीं करती, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्यार नहीं है पर बहुत अच्छी दोस्ती है। बट मेरी मम्मी एक तरीके से खुश भी थी और एक तरीके से मतलब उनको बहुत बुरा भी लग रहा था कि मेरी बेटी कैसे निकल गई, साहिल कैसे निकल गया। और मेरे डैडी ने बहुत कुछ सोच के रखा था। मेरी मम्मा मतलब रो रही थी कभी कभी, आई थिंक जिंदगी में भी कोई अपना लगता है। आगे नहीं आता मेरे को इतना ही आता है। तो हाय हाय अंजलि, हाय साहिल, साहिल हेलो हेलो। मैं आई वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस ऑन टेल रिपोर्टर। ओके ओके, पहली बात तो मैं अंजलि और साहिल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इतनी अमेजिंग केमिस्ट्री कहाँ से लाते हो यार आप लोग? मतलब आपकी परफॉर्मेंसेस देख रहा है, रिमेम्बर वो टिप टिप बरसा वाला यार, सो सिजलिंग परफॉर्मेंस है टोअर्स, मतलब कैसे कैसे आ जाती है इतनी अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में, क्या कन्विंस कर लेते हो यार? है मतलब दोनों परफेक्ट एक दूसरे के लिए, वो अपने आप आ जाता है वो बीजी बीजी वाला लाइक हां यार बीजी बीजी वाला। ओके ओके ओके, तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट शायद ये मुझसे लव करता है बट मैं नहीं करती। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग ना वो जो केमिस्ट्री है ना सिर्फ वो शूट डे वाले दिन ही आती थी। हाँ। जैसे हम लोग रिहर्सल्स में ना हम लोग ऐसा रहते थे बिल्कुल, इतना दूर इतना गैप रखते थे। बट जस्ट हमें पता था कि अभी शूट है, हमें करना है, तो हम लोग तब करते थे। हाँ, हम रिहर्सल में भी अच्छे से करके नहीं दिखाते थे, ओनली शूट डे के दिन ही हम अच्छे से करते थे। शूट डे के दिन हम लोग बहुत अच्छे से करते थे। तो हमारे कोरियोग्राफर्स लोग कहते थे हमने कि बार बार की करो साइलेंटली कर, इतना वो पकड़ के हम लोग को ऐसा जबरदस्ती थे। आप लोगों की वीडियोस आप देख लो, नीचे सबने यही पूछा हुआ है कि पक्का शो के एंड तक ना ये लोग दोनों एक कपल ही होने वाले हैं। लिटरली मैंने ऐसे कमेंट कर दिया है आपके पोस्ट, क्या है जरा क्लियर कर दो फैंस को आप। नहीं हम लोग बेस्ट फ्रेंड ही है, बस ये है कि हम लोग एक दूसरे की केयर करते हैं क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं इस वजह से। और हम दोनों इतने एक साथ से रहने लग गए हैं 4-5 साल से कि अगर हम दोनों एक दूसरे के बिना कहीं जाते हैं या रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। हाँ। भी तो मतलब ऐसा लगता है कुछ अधूरा है। हाँ ऐसा मतलब प्यार नहीं है पर बहुत अच्छी दोस्ती है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं लाइक ये बहुत हुकुम वैसा है ही, बहुत सी जैसा मैंने बोला था रियलिटी में बहुत सी टाइप की है, तो दोस्त को बोलते ही है ये ज्यादा है। जैसे आप लोगों का इविक्शन हुआ जान दीवानी का सबसे बड़ा इविक्शन, क्योंकि आप लोगों के इविक्शन के बाद लिटरली फैंस अभी भी डिमांड करे कि आप दोनों को शो में वापस लेकर आया जाए। कैसा फील होता है जब इतना प्यार मिल रहा है और इंस्टाग्राम से आप लोगों के फैन पेजेस तक है इतना प्यार मिलना, किसी के टेस्ट को इतने कम टाइम में बहुत बड़ी बात होती है ना कि आपको इतना पसंद है। आप लोगों को किस तरह के रिएक्शन मिले हैं फैंस की तरफ से? डीएम तो पक्का आए होंगे बहुत सारे, बहुत लाइक हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना सारा कुछ होगा। मतलब लोगों ने बहुत डीएम्स करे, वी वांट साइलेंटली बैक, लाइक वो लोग इतने सारा हैशटैग डाल रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं केएलएस के पोस्ट पे भी और मैसेजेस कर रहे हैं हम लोग को कि वी वांट यू गाइस बैक, ऐसा ऐसा करके। लाइक हमने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। हम जब डांस दीवाने में थे तो हम यही सोच रहे थे कि अब हम जाके क्या करेंगे, लोग हमें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे लोग। फिर जब जैसे ही हमारा सुना लोगों ने कि हम एलिमिनेट हो चुके हैं, तो उसके बाद जब हम दिल्ली आए तो मतलब इतने सारे लोगों ने, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि लोग हमें इतना जानेंगे, क्योंकि हमने सोचा था कि हमें थोड़े बहुत लोग जानेंगे जो कलर्स टीवी देखते हैं, हमें नहीं पता था कि इतने सारे लोग, मतलब हमारे लिए तो मतलब लाइफ का ही सबसे बेस्ट मोमेंट था कि जब लोगों ने हमें बोला कि वी वॉन्ट साइल अंजलि बैक, मतलब इतने सारे हैशटैग, इतना प्यार। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन जिन ने हमें बहुत सपोर्ट करा। yes, क्योंकि हम लोग थैंक यू बोलना जो आज हम इतने खुश हैं सिर्फ उन लोगों की वजह से ही खुश हैं, उनके सपोर्ट की वजह से, उनके प्यार की वजह से। वेल ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप लोग डांसिंग स्टार्स हो अभी के, बस इतना प्यार कर रहे हैं लोग आप दोनों को भी। हाँ हम बहुत खुश हैं, लोगों ने हमें बहुत प्यार करा, बहुत मतलब फैमिली की तरह लगा कि जैसे फैमिली नहीं बोलती कि नहीं बेटा और अच्छा करना है, क्यों निकाला है, कैसे निकाला, अब और अच्छा कर सकते, मतलब ऐसा लोगों ने हमें अपनी फैमिली की तरह समझ के इतना सपोर्ट करा कि मतलब वी वांट साइल अंजलि बैक का जो मैंने हैशटैग देखा तो इतने पोस्ट थे उसमें कि मैं मेरा इंस्टाग्राम का पूरा नेट खत्म हो जाएगा, इतनी सारी पोस्ट थी उसमें। बट बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ, अब तो मेरे को रोना भी नहीं आता, इतना प्यार देते लोग मेरे को।
फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? यू नो नेबर्स होते हैं, बहुत बहुत लोग होते हैं आप लाइफ में, वापस जब आप लोग रिटर्न, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोग शायद दिल्ली में हो? हम निकल जाएंगे, सबको ये लग रहा था कि हम फाइनल तक जाएंगे या फिर हम टॉप थ्री में होंगे, सबको ये लगा। और मैंने अपनी मम्मी को सरप्राइज दिया था घर आके, बट मेरी मम्मी एक तरीके से खुश भी थी और एक तरीके से मतलब उनको बहुत बुरा भी लग रहा था कि मेरी बेटी कैसे निकल गई, साहिल कैसे निकल गया, क्योंकि उनको लगा था कि हम बहुत आगे तक जाएंगे। बट शायद कंपटीशन ज्यादा टफ हो रहा था और हमारी लास्ट परफॉर्मेंस शायद तुषार सर को पसंद नहीं आई, तो इस वजह से। और मेरे डैडी ने बहुत कुछ सोच के रखा, मेरी मम्मा मतलब रो रही थी, बट अब मम्मी को अच्छा लगा इतना पब्लिक सपोर्ट देख कर कि इतने सारे लोग हमें प्यार करते हैं। मम्मी ने कहा कि तुमने ट्रॉफी नहीं जीती, तुमने लोगों को जीता है, तो मतलब वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है आप दोनों की केमिस्ट्री को लेकर, उनके क्या फीडबैक आए थे जब आप लोगों के इतने स्टिजली परफॉर्मेंस देखे उन्होंने? कभी हमें ऐसा देखा नहीं, क्योंकि हमने कभी लाइफ में ऐसा परफॉर्म नहीं करा था, वो हमने फर्स्ट टाइम डांस वाले में करा, और लाइक वो लोग हमसे बहुत मजे लेते हैं, बहुत मतलब, हाँ, रहते हैं। मेरी मम्मी तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके देखती है, शर्मा के देखती है कि कैसे कर लिया बेटा, बेटा तुम तो कह रहे थे ऐसा कभी करते ही नहीं, और बोलते हैं बच्चे बड़े हो गए ऐसा ऐसा बोलते हैं। कभी कभी ये आया कि भाई शादी वादी कर लो एक साथ पॉकेट तो ये फीडबैक फीडबैक नहीं आया यार, अच्छा है बच गए तुम लोग। नौरा फतेही ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी आपकी फॉर्म से, एज एन डांसर बहुत बड़ी बात होती है कि आप आपके एक्ट के थ्रू इतना इमोशनली कनेक्ट, कोई वो दे क्या फीलिंग थी आप लोगों के उस वक्त, क्योंकि इतना अप्रिसिएशन मिला है साहिल अंक के आप दोनों को डांस गाने के स्टेज पर हर एक जगह से, उस मोमेंट के बारे में स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूंगी आप दोनों से कि आप लोगों को पर्सनली कैसे फील हुआ था उसमें। अभी तक मतलब हमने डांस दीवाने में जितने भी कॉन्सेप्ट करे हैं ना, तो हम हमेशा मतलब थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि हम उसे अच्छे से दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे स्टेज पे, अगर हम दिखा देंगे तो क्या जजेस को समझ आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम उसको इतना दिल से करते हैं ना कि हमें कुछ फील होता है ऑन स्टेज। शूट डे के दिन मतलब हम इतने मतलब इतना उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि हमें खुद को फील होता है कि हम उस चीज वही चीज है हम, जैसे हमने डॉक्टर वाला एक्ट करा, माँ वाला करा, like तो हम लोग उसको फील करके स्टेज पे जाने से पहले हम लोग वही सिचुएशन सारा सोचते हैं कि उस टाइम पे क्या होगा, क्या होता है, और अगर हम ही होते तो हम लोग कैसा फील करते, तो सब कुछ सोच कर तब हम लोग जाते हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई जब नौरा मैम को समझ आया कि हम एक माँ और उस बच्चे की कहानी बताना चाहते हैं जिसने अपना दिल दिया माँ ने, तो उन्होंने फिर जब हमारा शूट डन हो जाता है तो उसके बाद भी नौरा मैम हमारे पास आके बोलती कि तुम दोनों मेरे फेवरेट हो, तुम बहुत अच्छे हो, मतलब गले हग करके, मतलब वो मोमेंट भी हमारे लिए बहुत अच्छा बहुत था अच्छा कि था। नौरा मैम बहुत बड़ी डांसर है, मतलब उनको सब लोग जानते हैं, वो एक्ट्रेस भी है, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लाइक हमारा एक्सपेक्ट यही रहता था कि हम लोग सबको मतलब कि वो फील करा सके कि जो हम खुद फील करें और जो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को। एंड यू नो धर्मेश सर ने भी ये बात कही है आप लोगों के लिए कि वो आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, वो मोमेंट कैसा रहा? बिकॉज डांस दीवाने में अगर आप लोगों की मोमेंट की बात करें तो बहुत कुछ स्पेशल हुआ है आप लोगों के लिए, ये मोमेंट के बारे में जानना चाहती हूँ, और किस तरह के फीडबैक मिलते थे आपको धर्मेश से आपके परफॉर्मेंसेस के बाद? हमें हमेशा लाइक बेसिकली अच्छे फीडबैक्स मिले हैं, बहुत अच्छे, हर बार हमने अच्छा प्रेजेंट करा तो हर बार हमें अच्छे फीडबैक्स मिले, और हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि धर्मेश सर हमसे इतने कनेक्ट हो जाएंगे या कोई हमसे इतना कनेक्ट होगा, बट जब लास्ट टाइम हम लोग एनिमेट हो रहे थे तो हमने देखा कि सर के लाइक बहुत इमोशनल थे, सर की आंखों में आंसू थे, तो इतना हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई होगा हमारे लिए ऐसा रहेगा, तो वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा था, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट करा ही नहीं था ऐसा कि सर हमें ऐसा भी बोलेंगे कि मेरे साथ काम करना, और लाइक वो हमारे लिए दुखी होंगे ऐसा सोचा ही नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा वो। और धर्मेश सर हमें डे वन से बहुत सपोर्ट करता बहुत है, सपोर्ट करता है। उन्होंने हमें हमें भी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं एक जज हूँ तो मैं उसकी तरह, वो हमेशा हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव रहा है उनके उनका हमारे साथ, लेकिन मतलब तीनों ही जजों के साथ हमें जजेस के साथ बहुत अच्छा लगा, मतलब हमारे सबसे फेवरेट जजेस जितने भी रियलिटी शो के हैं वो बस यही रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत फैमिली जैसा फील हुआ है, सभी पूरी एक फैमिली बन चुकी थी, बहुत अच्छा लगा हमें।
तुषार और माधुरी मैम के साथ के परफॉर्मेंस करके अर्निंग पे थोड़ा प्रेशर होता था, बिकॉज़ ना तुषार को ऐसे बोला जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल चीजें नोटिस करते हैं वो, कभी ऐसे परफॉर्मेंस से स्ट्रेस बैग यू नो तुषार से कहीं ये नोटिस ना कर ले यार ये थोड़ा सा छूट गया परफॉर्मेंस वाला, ऐसा कुछ फील हुआ आप लोगों को? ऐसा फील लाइक ऐसा फील तब होता था जब हमें अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना होता था तुषार सर के आगे, क्योंकि तुषार सर बहुत मतलब बिल्कुल एकदम ध्यान से देखते हैं कि इन्होंने क्या मिस्टेक करी है क्या नहीं करी, तो मतलब तुषार सर के सामने दिखाना मतलब हमारे लिए खुद के लिए एक चैलेंज होता था कि हमें तुषार सर के सामने एक अच्छा परफॉर्म करना है। और माधुरी मैम को हम हमेशा ये कोशिश करते थे कि जो हम अपना समझाना चाहते हैं एक्ट से तो माधुरी मैम वो समझ जाती, मतलब माधुरी मैम हमारे एक्ट में बहुत कनेक्ट होती थी, तो हमें बेसिकली वैसे तीनों ही जजेस एकदम मतलब अलग अलग मतलब सबका अलग अलग वो तरीका था देखने का परफॉर्मेंस को, तो हमें तो बहुत मजा भी आया लेकिन हमें डर भी लगता था परफॉर्मेंस देने से पहले, नर्वस होते थे कि हम कैसे दिखाएंगे, बट परफॉर्मेंस होने के बाद मतलब रिलीफ मिलता था कि समझ आया, अच्छा लगता था बहुत, मतलब तब तक तो हमारे ऐसा प्रेशर रहता था कि भाई बस हो जाइए जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और फिर टेंशन फ्री होके हम लोग सोफे पे जाके आराम से बैठते थे, सबके एक्ट एंजॉय करते थे हम लोग। उससे पहले ऐसा रहता था यार जल्दी हो जाए हमारा अच्छे से जाए। आप दोनों यू नो एज अ पार्टनर गए थे शो पे, बहुत से कंटेस्टेंट रहते थे इंडिविजुअली आके, आप दोनों को ना कभी ऐसे हुआ कि परफॉर्मेंस के टाइम पे कोई एक पार्टनर बहुत अच्छे से चीजें बहुत जल्दी कोप अप कर पा रहा है, दूसरा इतनी इजी और इतने फ्लॉलेस से वो स्टेप नहीं कर पा रहा, क्या आप दोनों के बीच ऐसे हुआ? Yes. नहीं, अंजलि बहुत अच्छी है और लाइक उसकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, समटाइम्स मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, बहुत ज्यादा लाइक ही कॉम्प्लिकेटेड रहता था, उलझा हुआ रहता था कभी कभी, क्योंकि ज्यादा हो जाता था तो मैं स्ट्रेस्ड हो जाता था तो मैं नहीं कर पाता था, बट अंजलि जो एक ऐसी बन गई है जो हमेशा करती है। नहीं, मतलब स्टाइल भी अपने स्टाइल में बहुत बेस्ट है और मैं भी अपने स्टाइल में थोड़ा बेस्ट हूँ, हम दोनों का स्टाइल एक्चुअली एक ही है। बेसिकली मैं एक चीज बताता हूँ कि ये बहुत सही है, बहुत अच्छा करती है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे अच्छे हैं और कुछ कुछ इसके। हाँ ऐसा है कि हम दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि दोनों ऐसे है कि ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है, नहीं, अगर उसमें कुछ कमी है थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा थोड़ा मिला के पूरा 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 पैकेज बनता है। दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। ओके यू नो अंजलि साहिल बताओ कि सबसे टफ यू नो परफॉर्मेंस कौन सा रहा है आप दोनों के लिए? सबसे टफ हमारे लिए अभी हमारे लिए भीगी भीगी वाला जो परफॉर्मेंस था वो मेरे लिए और तेरे दोनों के लिए टफ रहा, क्योंकि उसमें बेसिकली हमें लाइव परफॉर्म करना था वो भी पानी में। तो वो बहुत ज्यादा टफ था बिकॉज पानी के अंदर ना बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बन रहा था, क्योंकि वो पानी बहुत स्लिप हो रहा था। और उससे पहले अंजलि वैसे भी हम लोग जब रिहर्सल कर रहे थे टेक्निकल हो रहा था हमारा, तो उसमें अंजलि बेचारी बहुत तेज गिरी थी, मतलब मैं हर टाइम गिरी रही थी उसमें, बस शूट डे के दिन भगवान की गॉड ब्लेस में गिरी नहीं, बट मैं हर टाइम जब भी रिहर्सल पे हर टाइम जब भी उस पर प्रैक्टिस करते थे मैं हर टाइम फिसलती, तो उस दिन मेरा मतलब माइंड ऐसा हो रखा था कि मैं 15 मिनट पहले एक जगह शांत रही अपने कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कि मैं कर लूंगी बिलीव रख रही थी, और हो गया, मैं बहुत खुश थी उस परफॉर्मेंस के बाद। और मैं बहुत बार उस रिहर्सल पे गिरी, मतलब फर्स्ट वो सबसे मेरे लिए टफ इसलिए था क्योंकि हम पहली बार किसी पानी में डांस करने वाले थे, वो भी शिकागो फुटवर्क हमारा फुट है, तो वो बहुत टफ था। ओके अगर मैं आप लोगों को पूछूं डांस दीवाने से पहले की आपके परफॉर्मेंसेस और अभी जब आप लोगों ने डांस दीवाने का आप हिस्सा बने थे उसके बाद से अगर आप आपके डांसिंग स्किल्स को अगर रेट करेंगे तो यू नो किस लेवल 1 to 10 में आप कितना रेट करेंगे आपके डांसिंग स्किल्स को, कितने इम्प्रूवमेंट हुए हैं डांस दीवाने में जाने के बाद आपके स्टाइल डांस फॉर्म? लाइक हम लोग का बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमें बहुत नॉलेज मिला है वहाँ से, बिकॉज हम लोग पहले जो करते थे हम लोग वैसा नहीं करते थे, लाइक हमें मूवमेंट्स का पता लगा, बहुत सारी चीजों का हम लोग को पता लगा, मतलब हमें बहुत ग्रो हुआ। हम लोग एक दिन में कोरियोज नहीं करते थे, वहां जाके हमने एक दिन में भी कोरियोज करा, तो ऐसा मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों ने कोरियो करना सीखा और हम बहुत सीखे कि लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, क्या चीजें लोगों को पसंद आता है, हमने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा, तो हमें डांस दीवाने में बहुत हेल्प मिला अपने डांसिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और परफॉर्मिंग करने का तरीका कैसा होना चाहिए, एग्जीक्यूट करने का तरीका, ये सब चीजें। हम डांसरों को एक प्लेटफॉर्म मिला डांस दीवाने तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जल्दी से
अच्छे अच्छे डांसरों को भी नहीं मिल पाता, लेकिन हमें मिला, हम बहुत खुश हुए। डांस दीवाने के सेट से बहुत बार ऐसी न्यूज भी आई है कि बहुत से टेक्नीशियंस के थे वो कोविड पॉजिटिव हो रहे थे, शो के जजेस हो गए थे, राघव भी कोविड पॉजिटिव थे, कहीं ना कहीं यू नो ये सारी चीजें आप लोगों के परफॉर्मेंस पे और मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट कर रही थी, बिकॉज इतना कुछ हो रहा था सेट पर, बट स्टिल आप लोग परफॉर्म कर रहे थे, आप लोग रिहर्सल्स कर रहे थे, क्या कुछ यू नो सिचुएशंस थे उस वक्त एज एन आर्टिस्ट आप लोगों? उस टाइम पे मतलब पूरे कंटेस्टेंट थोड़ा डर रखे थे क्योंकि कोविड की सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी, और मुंबई में डांस की टीम ने बहुत अच्छे से हमें हैंडल करा, बहुत ज्यादा मतलब हमारा केयर बहुत करा, मतलब काढ़ा पिलाना में, तो उस वजह से हम मतलब परफॉर्म कर पाए, क्योंकि हम सबको ही थोड़ा थोड़ा वीक फील हो रहा था और डर लग रहा था, तो वहम भी हो रहा था कि अगर थोड़ा खांसी हो जा रहा था तो हमको डर लग रहा था, क्योंकि हमारे खुद के फ्रेंड्स अरुंधति वगैरह थोड़ा कोविड पॉजिटिव निकल गए थे, तो बट हमने पब्लिक के लिए मतलब हमारे पूरे डांस दीवाने जितनी भी टीम थी पूरी टीम ने हमें सेफ रखने के लिए हमारी बहुत हेल्प करी, हम लोगों ने बहुत मस्ती भी करी, अगर कोई हमारे आगे जरा सा छींक भी देता था तो हम लोग सब दूर हो जाते थे, कहते थे भाई तू पॉजिटिव है, लेकिन हमें बहुत मजा आया मतलब डांस दीवाने, और हमारा लाइक हर टू डेज के बाद हमारा वहाँ पर कोविड टेस्ट हो रहा था उस टाइम पर, और हमें डेली काढ़ा वगैरह हर तीनों टाइम पिलाया जाता था जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हमारे चैनल के हेड वगैरह जो भी पूरे कलर्स टीम सॉरी डांस दीवानी की टीम जितनी भी थी सब हमारी मतलब बहुत केयर, मतलब एकदम होता है ना बच्चे की तरह वैसी केयर रखते, मतलब बहुत हेल्प करी इस वजह से, पर हम डरे भी हुए थे क्योंकि हमारे फ्रेंड्स लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट जब वो आए तो फिर हम सबको बहुत खुशी हुई, मतलब उस दिन की वाइब बहुत अलग थी जिस दिन सब लोग ठीक हो गए, क्योंकि स्टेज पे बहुत ज्यादा कमी लग रहा था सबका इसीलिए। ओके, आप लोगों की बॉन्डिंग किससे सबसे ज्यादा अच्छी रही है बाकी कंटेस्टेंट्स से? हमारी बॉन्डिंग, हमारा एक ग्रुप था जो हम उन सबसे कनेक्टेड थे, जिसमें थी शोमांश की मम्मा, शोमांश गुंजन की मम्मा, गुंजन अरुंधति अंतरा लेकिन होटल जाते हम सबकी नींद गायब हो जाती थी, हम मस्ती हम हॉरर मूवीज देखते रहते थे, हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलता था एक दो वन टू डेज का, तो हम लोग उसमें रात को पूरी रात सोते नहीं थे, मूवीज देखते थे, मैगी बना के खाते थे और कॉफी पीते थे, लाइक हम लोग बहुत मस्ती करते थे, बहुत मस्ती करी, और सबसे ज्यादा मतलब जिन्हें बोलते हैं ना मम्मी जैसी केयर जिन्होंने हम बच्चों में की मम्मा लाइक बहुत अच्छी है वो, मतलब उन्होंने हमारी बहुत चीजों में भी हेल्प करी और हमें बच्चे की तरह का पूरा मतलब अभी भी हम वो हमारी बड़ी दीदी है, जब हम निकले तो हमें दुख हुआ कि हम क्यों निकले, बट सबसे ज्यादा दुख इस चीज का हुआ कि हम अपनी फैमिली से ही दूर जा रहे थे, मतलब हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था सबके साथ, इसलिए सभी लोग ऐसा बहुत सब लोग उदास थे, सब रो रहे, रोने वाला चेहरा बना रखे था, सब रो भी रहे थे सब लोग, तो वो थी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि टॉप 10 के इतने करीब आकर यू नो एलिमिनेट हो गए, हमें भी बहुत बुरा लगा क्योंकि हमने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, हम लोग को भी लगा था हम लोग फाइनल तक जाएंगे, सभी को ये लगा था, इवन कि हमारे जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं सब लोग को ये था, बट एकदम से ऐसा डिसीजन हुआ तो सब लोग के लिए अनएक्सपेक्टेड था, सब को बहुत बुरा लगा, सब वर्टेड हुए, हमें भी बहुत बुरा लगा वही यार, वो तो नो होता है कितने करीब आकर थोड़ा सा छूट गए, बट ठीक है मूविंग ऑन, आप लोगों के फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा एंड डेफिनेटली श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे भी आपके करियर में एज डांसर, यू नो आई एम श्योर और साहिल ये बताइए कि डांस दीवाने ने किस तरह से आपके जर्नी को यू नो शेप किया है, यू नो क्या कुछ सीखा क्या कुछ लेकर जा रहे हो डांस दीवाने से आपको? मतलब हम डांस दीवाने में ट्रॉफी तो नहीं जीते बट हमने लोगों का दिल जीता, हमें ऐसा फील होता है कि जब हम गए तो हम जब चुप भी हो गए तो भी हमारे जितने भी सारे फैमिली मतलब फैमिली हो गई उस रोमांच की मम्मा गुंजन सब, तो वो इतना रो रहे थे कि जैसा अपनी मम्मी रोती है ना वैसा, तो और हमने बहुत कुछ सीखा है मतलब डांस दीवाने में बहुत कुछ सीखा है, मतलब कोरियोग्राफर से बहुत कुछ सीखा कि कैसे आगे आपको चलना है, उन्होंने मतलब हमें बहुत सारी वेज दिखाई है कि अगर आप इस साइड भी जाओगे तो भी आपको मिलेगा, यहाँ जाओगे तो भी आपको अचीव होएगा कुछ ना कुछ, मतलब हमें बहुत कुछ सिखाया है इस डांस दीवाने ये लड़की मतलब बहुत बोलती है नहीं आप बहुत कम बोलते जब आप उनके साथ रहते हो, मुझे ये बोलना चाहिए, मैं चाहता हूँ ना ये ज्यादा बोले इसलिए
वेरी स्वीट यार, बड़े बड़े क्यूट हो आप दोनों. ओके ओके नो साइन लंच में ये बताओ कि राघव के साथ कैसा बॉन्ड था, बिकॉज़ आप दोनों इतने यू नो आपसे बात करके ऐसे फील हो रहा है, आप दोनों भी बड़े मस्ती कोर लग रहे हो, वो भी राघव की भी वाइब एकदम अलग है, कैसे बॉन्ड रहा उनके साथ तो ना, एंड डेफिनेटली टांग खिंचाई तो बड़ी की होगी राघव ने आप दोनों की. हाँ बहुत टांग खिंचाई करते थे राघव भैया तो, बहुत ज्यादा. मतलब राघव भैया ना बहुत जिसे बोलते ना मस्त इंसान वैसे है, क्योंकि वो जब शूट नहीं भी होता तो भी हमें हंसाते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग बैक स्टेज करते ही रहते हैं, कुछ पागलपन किया. मतलब हम सो रहे होते हैं ना, मतलब नींद आ जाती है थक हार के, अपना फोन लेके कैमरा लेके आ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मतलब बहुत मस्ती करते हैं. अंजलि अंजलि गढ़वाल से है ना, तो राघव भैया भी गढ़वाली है, तो वो बोल रहे थे अंजलि को कि तुझे आती है गढ़वाली, तो अंजलि बोली हाँ मेरे को आती है, बोले मेरे को भी सीखनी है, मेरे को नहीं आती बोले, पर मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है, तो ये दोनों हम तीनों, मेरे को भी आती है थोड़ी थोड़ी, तो हम तीनों गढ़वाली में बात कर रहे थे, मेरे को बहुत थोड़ी आती है, कुछ नहीं आता. और मैं और सो पे हम राघव भैया को सिखाते रहते थे धीरे धीरे, मतलब उन्होंने बहुत बार हमसे गढ़वाली सीखने की कोशिश करी है, लेकिन अगले दिन फिर शूट होता था तो भूल जाते थे वो कि मैंने क्या सिखाया था, मतलब वो ऐसे टाइम पास करते थे. साहिल अंजलि बताओ कि अब आगे ये क्या प्लान्स है, क्या कुछ करने वाले हो, किस तरह से जो फैन फॉलोइंग मिली है आप लोगों को, किस तरह से जस्टिफाई करने वाले हो अपने करियर प्लान? हम लोग अभी आगे लाइक हमने सोचा है कि हम और अपने स्टाइल में और बेस्ट होकर और ट्रेनिंग लेके और अच्छा बन के हम अपने अब अपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंडिया को, जिससे कि हम अपना मतलब हमेशा वर्क ऑन रखेंगे कि जिससे हमारे फैन फॉलोइंग हमारे साथ हमेशा रहे, और हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हम स्टॉप नहीं होएंगे, हम करते फैंस रहेंगे. को भी बहुत सारी चीजें न्यू कुछ ना कुछ देते रहेंगे. हाँ हम अपना मतलब पूरा 100% देंगे अपने फैंस के लिए और अपने लिए और सबके लिए. एंड लास्टली मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, क्या लगता है किसके हाथ से देखना चाहते हो आप लोग डांस दीवाने 3 की ट्रॉफी? साहिल अंजलि यार आप लोगों ने तो दिल जीत लिए सबके, अभी कुछ बता नहीं सकते कि सभी और हमको सभी पसंद है, हम तो मतलब खुश है किसी को भी मिलेगा ट्रॉफी, मेरे तरफ से तो सभी के हाथों में ट्रॉफी आ जाए. लाइक हम लोग खुश है कि किसी को भी मिले, हम लोग सभी को चाहते हैं कि सब मस्त है, सब क्योंकि मेहनत करते हैं इसलिए, बाकी वो जजेस के ऊपर रहता है कि किसको मिलना है किसको नहीं, तो वो तो अभी वही जान सकते हैं, हम लोग को पता ही नहीं है. सभी मतलब दिन रात एक करके सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अगर डिजर्विंग सभी हैं मेरे हिसाब से तो, और साहिल के हिसाब से भी सभी डिजर्विंग है, बट अब वो जजेस के ऊपर है, जजेस देखते हैं किसको देते हैं. ओके मैं साहिल अंजलि आप दोनों का यार बॉन्ड बड़ा प्योर है, मैं चाहती हूँ साहिल आज कोई एक गाना तो आप डेडिकेट कर ही दो अंजलि को नो गा के. गाना डेडिकेट करूँ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंजलि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की बनती है, अच्छा चल रही है. हाँ कभी ये बहुत रूड होती है, कभी मतलब चल गाना तो गा, गाना गाऊंगा ना सोच चश्मा पहन के गा, कह रही है गाना चश्मा पहन चश्मा, अभी कौन सा गाना गाऊं इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज है, ये बंदी कंफ्यूज है मेरे से. अब तो चश्मा पहन के ही गाना पड़ेगा अभी आपको, तो वो तो अंजलि की डिमांड है, वो अब वो जैसे वैसे गाओगे वो ऐसा करना ही पड़ता है मेरे को हमेशा. ले चूड़ी पहन के भी गा देख रहे हो ये क्या दे रही है पहनने को यार, क्या गाना गाओ तो वाला. अच्छा तेरे को कौन सा पसंद है? बुजुर्ग सोच रहा हूँ रुको, इसको दिल का ही क्या रहा, आई लव यू गाइस. हाँ क्यों गा दू, आई लव यू, आई लव यू मैंने स्क्रीन पे बोला तब तक सब करा नहीं, अभी गाना सुनना है आई लव यू फ्रेंड्स है, मेरे का सी आर फ्रेंड. रुको रुको यार गाना कौन सा गाऊ, याद फ्रेंड्स है, गाना भी याद मेरा फ्रेंड्स है. कभी कभी एडिटिंग जिंदगी में ही कोई अपना लगता है, कभी कभी एडिटिंग बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे एवरीथिंग गोना बी ओके. आगे नहीं आता मेरे को, इतना ही आता है यार, सो स्वीट. ओके यू नो आप लोगों के साथ तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है यू नो बात करने में, बट आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा. लास्ट से आप लोग क्या कहना चाहोगे आपके फैंस को, यू नो जो इतना प्यार दे रहे हैं आपको,
मतलब अगर थैंक यू से कोई बड़ा वर्ड बना रहता ना तो मैं वो भी कहती हूँ, मतलब इतना दिल से उनको धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सब कुछ, थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग को इतना प्यार देने के लिए, इतना लव, इतना सपोर्ट देने के लिए। बोलते हैं ना कि हमने इतनी मेहनत करी है तो उसका फल, मतलब जितने भी फैंस है ना वो हमारा मीठा फल है, क्योंकि उन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट करा है ना, इतना सपोर्ट कि अगर वो नहीं होते ना तो शायद ही हमारे, मतलब हमारे चेहरे पे स्माइल होती, क्योंकि उनकी वजह से आज हम इतने खुश हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब उनके मैसेजेस और वो सब देखा कि तब हम लोग खुश हुए कि थोड़ा कि लोगों ने हमें इतना बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लाइक बहुत अच्छा, बहुत प्यार हुआ, बहुत प्यार, मतलब बहुत प्यार, मतलब एकदम माँ बेटे जैसा प्यार, मतलब हम बहुत खुश हैं, दिल से शुक्रिया सबको, सारे फैंस को, पूरी इंडिया को, जो जो हमें फॉलो करते हैं, जो जो हमें सपोर्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड को, बिकॉज इंडिया से बाहर से भी लोग करते हैं, इसीलिए सबको थैंक यू, सबको थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, लव यू ऑल, सो स्वीट यार, सो स्वीट, एंड यू नो मैं आप लोग दोनों बड़े क्यूट हो यार, ऐसे ही रहना एंड यू नो जस्ट बी योरसेल्फ और बड़े अच्छे से काम करना, बहुत से लोग आप लोगों को पसंद कर रहे हैं, यू नो ऑल द बेस्ट आप लोगों के आगे के फ्यूचर के लिए, होप आप लोग एक बहुत अमेजिंग डांसर के तौर पे देखने मिले आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, लाइक हमको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमको बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आपके साथ, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग यार, बड़े क्यूट हो आप लोग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नाइस टॉकिंग विद यू।